जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्या भरते भारतवर्षे। जम्बू डॉग्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में बहुसंख्यक लोगों के लिए कोई पार्टी अब तक बनी क्यों नहीं है। देखिए, जब बहुसंख्यक लोगों की बात होती है, हिंदुओं की बात होती है, सनातन की बात आती है, तो हम लोग ये देखते और समझते हैं कि जितने सारे हमारे अस्त्र हुआ करते थे, चाहे ब्रह्मास्त्र की बात करें, पशुपतास्त्र की बात करें, इतने सारे और अस्त्रों की बात करें, एक फिल्म भी इसके ऊपर बन गई, बहुत ही बेहुदा फिल्म हालांकि ये बनाई उर्दू फिल्म इंडस्ट्री ने, कराची वुड ने, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न यही करते हैं सब लोग कि भैया रामायण का इतिहास इतना बड़ा था, इतना वृहद था, इतना विशाल था, जिसमें इतनी सारी ज्ञान की बातें थी, ज्ञान लब्ध बातें थी, महाभारत में इतनी सब कुछ चीजें थी, वो सारे के सारे अस्त्र, वो सारे के सारे सांग्रामिकता गई कहाँ? ये प्रश्न हमारे पास में आया। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देंगे पूरे के पूरे अगले एपिसोड में कि किस तरीके से महाभारत की सांग्रामिकता नीचे गई, किसने डाली, क्या हमारा ज्ञान जो है वो कम हुआ, ज्ञान कम हुआ भी या नहीं हुआ, या केवल हमारे बोध में ऐसा है कि ज्ञान कम हुआ लेकिन ज्ञान ने अपना स्वरूप बदल लिया। लेकिन ये सारे स्वरूपों की चर्चा बेमानी हो जाती है जब तक हम उन 100 करोड़ लोगों की चर्चा नहीं करते हैं जो इस समय आज के भारतवर्ष में निवास कर रहे हैं। आज के भारतवर्ष कहने का मतलब जिसमें पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, म्यांमार नहीं है, श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, बड़े बड़े देशों का तो मैंने नाम ही नहीं लिया है। इसलिए आज का एक छोटा सा भारतवर्ष, जो भारतवर्ष के आज तक के इतिहास में शायद सबसे छोटा भारतवर्ष रहा है, लेकिन उसमें भी 100 करोड़ सनातनी, 100 करोड़ हिंदू उसमें निवास करते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है। उनके लोगों के लिए राजनीतिक पार्टी के रूप में कोई खड़ा नहीं होता है। खड़ा होता है तो केवल खड़ा होने जैसा दिखाई देता है, होता नहीं है। क्यों नहीं हुआ, एक एपिसोड कर चुके हैं प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज हमारे साथ में थे, दूसरा एपिसोड उसका जो दूसरा भाग है वो आज करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बातें रह गई थी। आपसे मैंने कहा था अपने कॉमेंट जरूर दीजिएगा, टिप्पणियां दीजिएगा, क्योंकि वो जब आएंगी तो प्रश्न बनेंगे, प्रश्न बनेंगे तो किसी एक एपिसोड में उनका उत्तर भी आपको मिलेगा। इसलिए आपकी टिप्पणियां, आपके कमेंट्स, चाहे साधुवाद के लिए हो, धन्यवाद के लिए हो, उत्साहवर्धन के लिए हो, प्रश्न के लिए हो, जिज्ञासा के लिए हो, सुझाव के लिए हो, अपने कमेंट्स, अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपका कम से कम एक या दो कमेंट्स होने चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। मासिक रूप से आपका अंशदान देना हम सबका दायित्व बनता है। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक हूं। तो आज जो विषय बचा है उसका बाकी का अंश अपन ले रहे हैं, है ना। हालांकि ये जो मूल विषय है ये तो कई कड़ियों में ही संपन्न होगा, क्योंकि उसमें संपूर्ण भारतीय राजनीति की विवेचना करनी होगी। लेकिन अभी जो कल हमने प्रश्न उठाया था उस पर चर्चा करें कि भारत में हिंदुओं की, बहुसंख्यकों की पार्टी क्यों नहीं। Yes. अब इसके कई पक्ष हैं। पहला तो ये, इसमें सहज प्रश्न आता है कि विश्व में अन्य देशों में किनकी पार्टियां हैं। जैसे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में वहां किनकी पार्टियां हैं? मुख्यतः प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन की पार्टियां हैं। कंजर्वेटिव भी, लिबर भी और लिबरल, तीनों एक ही विचार की पार्टियां हैं, सिर्फ उनमें अलग अलग है। कंजर्वेटिव पार्टी सोचती है कि जो मिडिवल चर्च के समय हमारी मूल आस्थाएं थी उनको सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है, जो हमारी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड की परंपरा बनी उसको, जो कि जो प्रथाओं, रीतियों, रिवाजों सबको सुरक्षित रखना है। लिबरल सोचते हैं कि नहीं, उसमें थोड़ा और सुधार लाना है। कैथोलिक मान्यताओं में सुधार ला के प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी आई, पर अब प्रोटेस्टेंट में और सुधार लाना है। और लेबर कहते हैं कि भाई ठीक है, ये मुख्य समाज है, ये तो है ही और हम इसके साथ हैं ही, लेकिन थोड़ा मजदूरों की समस्याओं पे ज्यादा ध्यान दे दो। तो ये तीन पार्टियां हैं, लेकिन तीनों में मुख्य वर्चस्व किसका है? प्रोटेस्टेंट चर्च का, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का। और प्रोटेस्टेंट चर्च के बारे में
तीनों पार्टियों में कोई मतभेद नहीं। इंग्लैंड की किसी पार्टी की यह हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि प्रोटेस्टेंट चर्च बेकार चीज है, हम प्रोटेस्टेंट चर्च को नहीं मानते, हम प्रोटेस्टेंट चर्च को हटा देंगे। कोई पार्टी कभी नहीं कह सकती। इसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, स्पेन, सब में जो वहां का मुख्य चर्च है, कहीं कैथोलिक चर्च है, कहीं लुथेरियन चर्च है, कहीं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, बहुत सारे हैं, तो जो जो भी चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, जहां जिस चर्च का शासन है, कैल्विनिस्ट है, उसका विरोध वहां की कोई पार्टी नहीं कर सकती। यानी विश्व में जितने भी नेशन स्टेट हैं 150 साल से, जी, वहां कहीं भी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कि वहां का जो बहुसंख्यक समाज है उसके रिलीजियस विश्वासों का विरोध करती हो। कम्युनिस्ट पार्टियां करती हैं, लेकिन फिर वो सबका विरोध करती हैं, माने वो उसमें ये नहीं करती कि हम किसी का पक्ष लें, है ना, इस्लाम का पक्ष ले लें, किसी और का पक्ष ले लें, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं। मान लो जो कहते हैं तो वो कह देते हैं रिलीजन अफीम है, उसका मतलब ये है कि भाई रिलीजन जितना उन्माद पैदा कर सकता है, हम कम्युनिस्ट उतना उन्माद नहीं पैदा कर सकते। उनको एक तरह से होड़ है, स्पर्धा है, विद्वेष है। क्रिश्चियनिटी से कम्युनिस्टों को विद्वेष था, होड़ था, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी का नकार नहीं किया, ये कहा कि भाई इनके जैसा हम उन्माद नहीं कर सकते, तो वो उन्माद की होड़ है। लेकिन किसी भी यूरोपीय, पश्चिम यूरोपीय देश की किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हम चर्च को मानते ही नहीं है, सब चर्च को मानते हैं। ये भारत में बहुत कम लोगों को पता है। केवल सैद्धांतिक रूप से वो कहते हैं कि अरे ये तो जरा ज्यादा उन्माद पैदा कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो इसीलिए पश्चिमी यूरोप में आज तक कम्युनिज्म आया ही नहीं है, किसी ने कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता दी ही नहीं है। तो ये जानना चाहिए। तो उसके अनुसार भारत में कौन सी पार्टी होना चाहिए? जब आपने नेशन स्टेट का एक मॉडल लिया है, क्योंकि कुल 150 वर्ष पुराना मॉडल है, जैसे हमने बताया, राज्य का मॉडल तो भारत में अत्यंत प्राचीन काल से है और कम से कम 5200 वर्षों से तो अविच्छिन्न रिकॉर्ड है, विस्तार से वैसा दुनिया में और कहीं नहीं है। तो 5200 वर्षों से कम, वैसे तो 10,000 वर्षों से और शास्त्रों के अनुसार लाखों वर्षों से बहुत सारे विवरण हैं कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और राज्य थे, यहाँ चक्रवर्ती सम्राट थे जो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे, ऐसे बहुत से चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। लेकिन नेशन स्टेट को ही अगर लें तो जो नेशन स्टेट विश्व में कहीं भी हैं, वहां जो पार्टियां हैं वो बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अस्तित्व ही संभव नहीं है। विश्व में किसी भी नेशन स्टेट में वहां के बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध किसी पार्टी का अस्तित्व संभव ही नहीं। भारत विश्व, अभी भारत का जो हिस्सा अफगानिस्तान बन गया, भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान बन गया, भारत का जो हिस्सा बांग्लादेश बन गया, वहां भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां जो लोग बचे हैं, चाहे उन्होंने लड़ के मार के हत्या करके सत्ता प्राप्त की है, मुसलमानों की प्रभुता है, तो इस्लाम के विरुद्ध एक भी पार्टी पाकिस्तान में नहीं है। इस्लाम की विरोधी एक भी पार्टी बांग्लादेश में नहीं है। इस्लाम की विरोधी एक भी पार्टी अफगानिस्तान में नहीं है। संबंधित क्रिश्चियन पंथ जो जिस देश में है, उसके विरोधी कोई पार्टी किसी पश्चिमी यूरोपीय देश में नहीं है। और अब तो पूर्वी यूरोप में भी सब क्रिश्चियन पार्टियां ही आ गई हैं। रूस जो है वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के नियंत्रण में है। तो फिर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों के धर्म, संस्कृति और विश्वास, मान्यताओं और परंपराओं, प्रथाओं, इनको मानने वाले लोगों की कोई पार्टी ही नहीं। राम राज्य परिषद बनी थी जैसा मैंने कल बताया, लेकिन उसने राजनीति के सब पक्षों का विचार नहीं किया। उसने क्या किया, सचमुच राजनीति में उदात्त विचारों का खूब चिंतन किया, खूब प्रसार किया। शुरू में भारत के बहुत से संपन्न लोगों ने, अभिजात लोगों ने, सुसंस्कृत लोगों ने, श्रेष्ठ लोगों ने उसको पूरी तरह समर्थन भी दिया। लेकिन राजनीति, जैसा मैंने बताया था कि
राजनीति का मुख्य काम है धर्म के विरुद्ध जो अधर्म का उभार होता है उसको रोकना, कंटक शोधन, धर्म की बाधक शक्तियों का पूर्णतः नियंत्रण करना, ये राजनीति का काम है। तो रामराज्य परिषद के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी कि वो धर्म चेतना को रोकने वाली पार्टियों या समूहों या समुदायों का शमन कर सकें, तो इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी ने अपने ढंग से निस्तेज कर दिया। बाद में जो उसके कुछ लोग बचे समर्थक वो जनसंघ में चले गए, तो इस तरह उसका समायोजन कर लिया गया, उसको अप्रोप्रिएट कर लिया गया। तो ये एक स्थिति है। हिंदू महासभा जो बनी थी वो जैसा मैंने कल बताया वो तो नेशनलिज्म का जो आइडिया यूरोपियन देशों में उभरा उसको उधार लेके एक हिंदू नेशनलिज्म की बात करती थी, लेकिन उसके पीछे एक व्यापक अज्ञान था। आज भी जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं भारत में, उनके भीतर बहुत गहरा अज्ञान। अज्ञान क्या है? वो नेशनलिज्म को ही राष्ट्रवाद कह रहे हैं और नेशन को ही, नेशन स्टेट को ही राष्ट्र कह रहे हैं। लेकिन राष्ट्र तो वैदिक शब्द है और राष्ट्र का बड़ा बृहत अर्थ है और राष्ट्र एक चैतन्यमयी सत्ता है, इस पर अलग से कभी विचार करेंगे। जो अभी राष्ट्र राष्ट्र रटा जाता है वो नेशन स्टेट का अनुवाद के रूप में। तो ये नेशन स्टेट कुल कितने वर्ष पुराना है? 150 175 वर्ष। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले बीच में कई शताब्दियों तक यूरोप में चर्च का स्टेट था, किसी न किसी चर्च का स्टेट था। होली रोमन एम्पायर पूरी तरह कैथोलिक चर्च का स्टेट था, है ना? और वो जर्मनी से लेके इंग्लैंड तक, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, सब जगह फैला हुआ था होली रोमन एम्पायर। लेकिन वो इतना आतताई, इतना क्रूर, इतना पैशाचिक, इतना नृशंस, इतना बर्बर, इतना घृणित था। उसने मनुष्यों के विरुद्ध इतने अत्याचार किए, स्त्रियों को आत्मा विहीन वस्तु की तरह माना, केवल भोग्य वस्तु माना, और फिर साथ ही भोग्य भी नहीं बल्कि उसको उत्पीड़ित किया। जरा सा भी चर्च के कंट्रोल में जो स्त्री नहीं रहे उसको बहुत भयंकर तरह से उत्पीड़ित करना, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि स्त्री जो है वो शैतान की बेटी है, गॉड की प्रतिस्पर्धी है, गॉड की शत्रु है। तो जितना सताया जा सका उतना, जैसे यहूदियों को सताया उसी तरह स्त्रियों को सताया। लेकिन वो वहां के मनुष्य भी तो मनुष्य ही है ना, फिर उन्होंने इसका विरोध किया। फिर साथ में वैज्ञानिक चेतना आई और आज से लगभग 100 वर्ष पहले जगह जगह स्त्रियों को मनुष्य मानने की बात चली, ईसाइयत में भी, और फिर लगभग 75-80 साल पहले वोटिंग राइट मिला पहली बार यूरोप में स्त्रियों को। आज से लगभग 80 वर्ष से लेके 75 वर्ष पहले तक पहली बार वोटिंग राइट मिला है और उनको मनुष्य माना जाने लगा, पर्सन माने जाने लगा। उसके पहले उनको आत्मा विहीन एक मनुष्य माना जाता था, एक विचित्र सी चीज। तो नेशन स्टेट जो है वो किससे आया? चर्च स्टेट के बाद। क्यों? क्योंकि चर्च बहुत पैशाचिक था और दुनिया से जब धन आया यूरोप के देशों में, जब इंग्लैंड के, पुर्तगाल के, स्पेन के, हॉलैंड के, फ्रांस के लोग संसार में गए लूटने के लिए, धन लूटा, अलबल किया, जब धन आया तो धन तो आया लेकिन साथ ही उन्होंने अपने देशों में, जैसे भारत में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ये भी देखा कि बड़े बड़े राज्य हैं और बहुत सा ज्ञान है और बहुत सी श्रेष्ठ परंपराएं हैं। तो उन्होंने ईसाइयत के विरुद्ध सोचा कि ये तो जो हमको पादरी लोग सिखाते थे ये तो बहुत बड़ा झूठ है और ये फालतू चीज है। तो उन्होंने एक लगातार बहुत सारे आंदोलन किए और उसके बाद ये नेशन स्टेट का उदय चर्च के विरोध में हुआ। लेकिन इसमें और कुछ विचार नहीं था, जैसे उत्पातियों को भी एक स्पेस देने के लिए चर्च ने, चर्च पीछे हट गया और नेशन स्टेट बन गया। अब ये नेशन स्टेट अभी ट्रांजिटरी फेज में है, अभी विचाराधीन है, क्योंकि ये 150 वर्ष से भी कम हुए ना बने, और अभी का जो बालिग मताधिकार वाला नेशन स्टेट है वो तो 80 वर्ष ही हुए। उसके पहले लोगों को वोटिंग राइट नहीं था, केवल जो धनी है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है या संपत्ति है उसको वोटिंग राइट था, और स्त्रियों को वोटिंग राइट नहीं था, केवल पुरुष और धनी पुरुष उसको ही वोट देने का अधिकार था।
तो उसे तो नेशन स्टेट का कम से कम डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट नहीं कह सकते। तो डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट कुल 80 वर्ष पहले बने हैं, लेकिन उन सब में क्या है, सब में बहुसंख्यकों का वर्चस्व है, उनकी प्रथाओं, उनकी परंपराओं, उनकी रीतियों, उनके रिवाजों का पूरा सम्मान है, उसी के सम्मान की रक्षा के लिए वो बने हैं। लेकिन फिर भी वहां आपस में सत्ता के छीना झपटी के लिए जो पार्टियां बनी हैं वो काफी नुकसान करती रहती हैं। तो अभी क्या ढांचा होगा, मोटे तौर पे तो उनमें सर्वानुमति है अपने अपने बहुसंख्यकों के धर्म विश्वास, रीति रिवाज, प्रथाओं और परंपराओं के प्रति सब में सर्वानुमति है, सब एकमत है। लड़ाई किन में होती है, सत्ता के दूसरे मामलों में, कि हम इस क्लास को, इस लॉबी को, इस समूह को संतुष्ट करेंगे, उन्होंने कहा हम उसको करेंगे, उन्होंने कहा इस हम व्यापारियों की ओर जो उपेक्षा हो रही है उसको ठीक करेंगे, तो वो कहते हैं नहीं मजदूरों की जो उपेक्षा हो रही है हम उसको ठीक करेंगे। ये सत्ता के छोटे छोटे खेल हैं, लेकिन व्यापक एक चर्च का अनुशासन अभी भी है, पर वो पहले जैसा नहीं है। अब चर्च को राज्य पोषित करता है, पहले राज्य का संरक्षण चर्च करता था और वो तय करता था कि क्या वैध है क्या अवैध है, अब राज्य तय करता है। यद्यपि चर्च को, अपने यहाँ के चर्च को कोई राज्य अवैध घोषित नहीं करता, लेकिन नियंत्रण राज्य के हाथ में आ गया है नेशन स्टेट बनने के बाद। तो फिर भारत में क्या है, यहां से समस्या आती है कि भारत में जिन लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए सत्ता प्राप्त की वो स्वयं एक नया संप्रदाय है, वो ईसाइयत से प्रेरित हैं, इसलिए उन्होंने एंग्लो क्रिश्चियन व्यवस्था को ज्यों का त्यों रखा। लेकिन वो साथ में बहुत बड़ा छल, यूरोप में भी राजनीतिक दल छल करते हैं, इन्होंने उनसे छल सीख के ये छल किया कि हम अपने को, यूरोप में इतना बड़ा छल कोई पार्टी नहीं कर पाती कि वो जो नहीं है वो कहे। लेकिन भारत में क्या हुआ कि कांग्रेस का जो नेतृत्व था, एओ ह्यूम से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, तो बीच में तो उसमें अलग तरह के लोग आए, हिंदू चेतना के प्रतिनिधि लोग आए जिन्होंने उसका उपयोग भी किया, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, श्री अरविंद, बहुत लोग आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में इसमें वो लोग आए जो ईसाइयत से ज्यादा प्रेरित थे और जिनमें ये आस्था है कि हम ईसाइयत के अनुसार चलेंगे तो ही हम शासन कर पाएंगे। तो इसको कैसे कहें, क्योंकि तो ईसाइयत के विरुद्ध ही तो हिंदुओं की लड़ाई थी, मुख्यतः हिंदुओं की, जिसे स्वाधीनता संग्राम कह दिया जाता है, वो ईसाइयत के विरुद्ध हिंदुओं का जागना था, हिंदू जाग गए, क्योंकि तो पहले हिंदुओं से ईसाइयों ने छल किया, साहब हम बस व्यापार करने आए हैं, हमको व्यापार के छूट दे दो, हमको अपने रखवाले भर्ती करने दो, तो लोगों ने कह दिया जाओ, तो सेना हो गई, फिर उसको कहने लगे ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, फिर उसको अपने युद्ध के लिए इस्तेमाल कर लिया दोनों में, और फिर ऊपर से ईसाइयत भी फैलाने लगे, यानी लगातार छल प्रपंच धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इससे हिंदू चेतना जगी और उनको भगाया गया, उसका लाभ इन्होंने लिया ट्रांसफर ऑफ पावर में। तो ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या करार हुआ इसका कुछ तो अंदाज है, और कुछ आचरण से पता चलता है कि इन्होंने ईसाइयत को भारत में आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह से शासन व्यवस्था चलाई, और साथ ही सोवियत संघ से प्रेरित हो गए। तो ये एक अलग संप्रदाय हो गया ना, इनको भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की कृषि परंपरा, भारत की अन्न परंपरा, भारत की उत्पादन परंपरा, भारत के शिल्प, भारत के हुनर, किसी में कोई श्रद्धा नहीं थी। खेती के नए नए तरीके उन देशों से आयातित करने लगे जिनको खेती का पुराना अनुभव ही नहीं था। यूरोप में तो खेती पहले होती ही नहीं थी, जैसा अगर आप प्रोफेसर कुसुमलता खेड़िया को ध्यान से सुनते हो तो उन्होंने कई बार विस्तार से बताया है अपने वीडियो में कि यूरोप तो 18वीं शताब्दी तक मुख्यतः पशुपालक समाज था, खेती का कोई अनुभव ही नहीं था। 19वीं शताब्दी में जब वो दुनिया में देखे तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं खेती किए, फिर जब बिजली वगैरह का आविष्कार हो गया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और 20वीं में जब ज्यादा और कुछ वैज्ञानिक आविष्कार हुए तो उन्होंने कुछ थोड़ी खेती शुरू की, और उसी को औद्योगिकरण कह दिया। फिर बाद बाद में अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी में ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है, तो खेती का तो यूरोप को कोई अनुभव ही नहीं था। जिन देशों को खेती का कोई अनुभव नहीं था उनकी खेती की विधियां भारत में लाई गई, तो इससे सिद्ध होता है ना कि ये
हिंदू चेतना भारतीय चेतना के प्रतिनिधि ही नहीं है कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू धड़क, जिनका भारत से हिंदुत्व से क्या लेना देना। फिर इसी तरह गोवंश पालन, वैदिक काल से भारत में गायें पाली जा रही हैं खूब अच्छे से, तो इन्होंने कहा नहीं हम ब्रीडिंग करेंगे, संकरण करेंगे और वहां के सांडों का वीर्य लाएंगे, उससे अपनी गायों को गर्भवती बनाएंगे और वहां की नस्ल लाएंगे। ये क्या है? जिस देश को गोपालन का सबसे प्राचीन अनुभव है वहां आप गोवंश को नष्ट करके दूसरे देशों का गोवंश ला रहे हैं। सिद्ध है कि इनमें कोई हिंदू चेतना कोई भारतीय चेतना नहीं थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो राज्य की सबसे प्राचीन परंपरा भारत में है और भारत ही एकमात्र देश है जहां प्राचीन काल के राजनीति शास्त्र विद्यमान है। महाभारत सबसे बड़ा राजनीति शास्त्र है, आप जानते ही हैं। महाभारत में राज धर्मानुशासन पर्व अलग से है, भीष्म पितामह राज्य का उपदेश देते हैं, नारद जी राज्य का उपदेश देते हैं कैसे चलना चाहिए। जिस देश में राजशास्त्र की इतनी प्राचीन केवल ग्रंथ नहीं है बल्कि शासन है व्यावहारिक, और ठीक 1947 तक बहुत से बड़े बड़े हिंदू राज्य हैं जो शासन कर रहे हैं राजधर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार, वहां आप उन देशों की नकल मार रहे हैं जो स्वयं इंग्लैंड में अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। उसके पहले तो इस तरह का स्टेट था नहीं। जो राज्य का ढांचा इंग्लैंड में अभी है वो आज से 150 साल पहले तो नहीं था, अभी अभी बना है। तो हजारों वर्षों से राज्य का ढांचा न केवल चलाने बल्कि उसको लगातार अच्छी तरह प्रजा को प्रसन्न करने वाले देश में आप ऐसे लोगों के राज्य का ढांचा ले रहे हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है। और भारत में भी जो फेल हो गए 90 वर्ष में, उन्हें भगना पड़ा यहां से। वो तो चूंकि शरीर से जो लोग शासक हैं वो हिंदू हैं, तो हिंदुओं को उनसे प्रेम है अपने और चाहते हैं कि हमारा राज्य रहे, ये कम से कम देह से हमारे ही लोग हैं तो ये बने रहे तो फिर हम कर देंगे कुछ और, अन्यथा ये तो राज्य कब का टूट जाता। भारत में अगर राज्य बचा हुआ है बना हुआ है तो केवल हिंदुओं के राज्य प्रेम के कारण, अन्यथा तो सब इसको तोड़ने को उतारू है। समाजवादी तोड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट तोड़ रहे हैं, मुस्लिम संगठन समूह तोड़ रहे हैं, ईसाई तोड़ रहे हैं, सब अलग अलग। भारत को तोड़ने को ही सब बेचैन है, तो हिंदुओं के राज्य प्रेम के कारण ही तो भारत का राज्य बचा हुआ है। किसी संगठन के कारण, किसी ढांचे के कारण, किसी आईएएस आईपीएस के कारण ये नहीं बचा है। क्योंकि अगर इसी से बचा होता तो इंग्लैंड कभी यहां से नहीं जाने को विवश होता, तो रहा ही आता। लेकिन एक विदेशी विचार से और विदेशी मत से और विदेशी आस्थाओं से विदेशी दृष्टि से संचालित पंथ का शासन, कांग्रेस पार्टी का शासन, यानी अहिंदू अभारतीय मतवाद का शासन आ गया समाजवाद के नाम पर। और फिर बाकी भी जो पार्टियां हैं वो कोई गांधीवादी समाजवादी है, कोई कुछ और वादी है, कोई कुछ और वादी है, लेकिन सनातन धर्म जो सिखाता है उसकी प्रतिनिधि कोई पार्टी नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन धर्म की जो मुख्य पहचान है, जैसा मैंने कल संक्षेप में बताया था कि इसकी पहचान क्या है, कि ये मानव धर्म की बात करता है। केवल विश्व का अभी के जो प्रमुख अपने को रिलीजन आदि कहने वाले, मजहब आदि कहने वाले समूह हैं उसमें, और जो मूल भारतीय धर्म प्रवाह है उसमें क्या अंतर है? उसमें एक अंतर यही है कि केवल भारतीय धर्म शास्त्रों में ये लिखा है कि मानव का विचार करना चाहिए, मानव धर्म शास्त्र। मनुस्मृति का नाम ही है मानव धर्म शास्त्र, यानी संपूर्ण मनुष्यों को जो करना चाहिए उसका विचार केवल भारत में हुआ है, तो उसके आधार पर आपको शासन चलाना चाहिए। लेकिन उसे नहीं चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी श्रद्धा ही नहीं है, इनकी भारत में सनातन धर्म में हिंदू धर्म में श्रद्धा नहीं है किसी भी पार्टी, अन्यथा ये तो बहुत सरल है। आज का जो वैश्विक परिवेश है, यूरोप देखिए धीरे धीरे विकसित हुआ है, कहां पहले मध्ययुगीन ईसाइयत की जकड़न थी, वो कहते थे कि बस केवल ईसाइयत जो है वही प्रकाश है, बाकी सब डार्कनेस है, एरिया ऑफ डार्कनेस है, अंधकार है। जब दुनिया में देखा यहाँ भी ज्ञान है वहां भी ज्ञान है, आखिर मनुष्य तो वहां भी रहते हैं, और मनुष्य ही नहीं अभी उस पर और बात करेंगे कि वस्तुतः तो वो हमारे ही अंश है, तो फिर उनको आकर्षण हुआ
शुरू में भारत के ज्ञान के प्रति बहुत आकर्षण हुआ। यूरोप के अलग अलग देशों के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, फ्रांस के लोगों ने भारत की संस्थाओं और भारत के ज्ञान की खूब महिमा गाई, खूब प्रशंसा की और बहुत आकर्षित हुए। तो ऐसे उसके कारण जो है उनका, जब दुनिया में घूमे और दुनिया का पता चला तब उन्होंने अपने यहाँ थोड़ी उदारता लाई और विश्व के प्रति भी वो क्रमशः विकसित हो रहे हैं। तो यूरोप के जो देश हैं, यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है क्योंकि यूरोप के ही भगे हुए लोग हैं, तो यूरोप के देश तो अब सार्वभौम मूल्यों की बात करने लगे हैं। हालांकि विश्व में कोई भी देश नहीं है जो सार्वभौम मूल्यों को मानने की घोषणा करता हो। सार्वभौम मूल्य क्या है? सत्य, अहिंसा, संयम, धृति, क्षमा, अस्ते, पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, बाहरी पवित्रता, सत्यनिष्ठा, अक्रोध, है ना, शांति, प्रेम, ये सब है मानव धर्म। तो मानव धर्म को मानने वाला कोई पश्चिमी यूरोपीय देश नहीं है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हैं उसमें कुछ मानवतावादी लोग आ गए हैं। यूरोप में मानवतावाद का उदय हुआ है पिछले 70 वर्षों में, बड़े बड़े मानवतावादी व्यक्ति हुए हैं। उन व्यक्तियों ने साफ कहा कि मैं, जैसे बर्ट्रेंड रसेल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? तो इसको दर्शन के स्तर पर बताया। सारे वैज्ञानिकों ने ईसाइयत को नकार दिया, सारे महत्वपूर्ण कलाकारों, चित्रकारों ने व्यवहार में ईसाइयत को नकार दिया। तो ईसाइयत को अस्वीकार किया तो वहां धीरे धीरे मानवतावाद विकसित हुआ। उस मानवतावाद की सनातन धर्म से इस विषय में समानता है कि वो ये मानते हैं कि कोई एक पंथ मानव जाति में सर्वमान्य हो, सर्वग्राही हो, ये उचित नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि हम जो है मोनोथीस्ट नहीं है, यानी कोई एक थियोलॉजी, कोई एक पंथ विद्या, कोई एक मतवाद ही मानव जाति में सर्वत्र रहे, इसको वो नहीं मानते। तो यूरोप में क्या है, कोई प्रोटेस्टेंट की थियोलॉजी को मानता है, कोई कैथोलिक थियोलॉजी को मानता है, कोई लुथेरियन थियोलॉजी को मानता है, कोई ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, कोई वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, एक थियोलॉजी को मानने वाले चर्च हैं। तो वहां बहुत से ऐसे लोग निकले दुनिया के अनुभव से जो कहते हैं, नहीं, हम चर्च से लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम चर्च की ये बात नहीं मानेंगे कि बस हमारे पास ही ज्ञान है, हमारे पास ही सत्य है। तो वो सब मानवतावादी हो गए। इस अर्थ में वो हिंदुओं के बहुत निकट हैं। तो यूरोप के सभी मानवतावादी समूह हिंदुओं के बहुत निकट हैं और वो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में और कई संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर हैं। तो उनका राज्य पर नियंत्रण तो नहीं है यूरोप के, लेकिन उस पर प्रभाव है, उनकी भी बात सुनी जाती है। तो इस प्रकार भारत के लिए तो सबसे अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि भारत में तो हमारे धर्मशास्त्र ही मानव धर्म को मानते हैं, सार्वभौम मूल्यों को, यूनिवर्सल वैल्यू को, जो संपूर्ण मानवों के द्वारा पालनीय और आचरणीय है, ऐसे यम और नियम को, ऐसे कर्तव्यों को भारत के सभी धर्मशास्त्र मानते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वैखानस स्मृति, अंगिरा स्मृति, सभी इसको शांखायन, कात्यायन, सारी स्मृतियां ये मानती हैं कि मानव धर्म एक ही है, संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा पालनीय सामान्य धर्म, साधारण धर्म एक ही है, उसी को सार्वर्णिक धर्म कहा है। तो भारत में तो सहज रूप से ये घोषित कर देना चाहिए कि हम मानव धर्म को मानेंगे। तो इसमें बाधा कुछ नहीं है, बाधा सब बुद्धि की है। तो बुद्धि की बाधा कैसे है? क्या अज्ञान है? नहीं, अज्ञान कोई समस्या ऐसी नहीं है, मुख्य है लिप्सा। अचानक पहले तो मुसलमानों के समय मुसलमानों ने कई तरह के छल किए, हिंदुओं को मिलाते भी थे, हिंदुओं को साथ रखते थे, अपना सेनापति बनाते थे, अपना कोषा खजानची बनाते थे, अपना बहुत सारे विभाग सौंपते थे और अचानक हिंदुओं को मारने पीटने भी लगते थे, मंदिर भी गिराने लगते थे, फिर हिंदुओं से हिंदुओं को लड़ने भेज देते थे। तो ऐसा जो दौर चला उसमें थोड़ा भ्रम हुआ। इसके बाद ये जो क्रिश्चियन आए इंग्लैंड के और डच लोग आए, फ्रेंच लोग आए, पुर्तगीज आए, गोवा में पुर्तगीज ही आए, तो इनका तो विचित्र सा ही था कि मतलब केवल अपना शासन, बाकी सबको बुरी तरह कंट्रोल करो, कंट्रोल एंड डोमिनेशन, पूरी तरह नियंत्रण और आधिपत्य लाओ। तो ये जो इंग्लैंड जाकर पढ़े लोग और बाद में वही शिक्षा भारत में चला दी जवाहरलाल नेहरू ने, तो इससे क्या है, पढ़े लिखे लोगों में, साधारण लोगों को तो वो
अच्छी अच्छी बातें बताते रहे, लेकिन जो राज्य करने के इच्छुक मुख्य लोग हैं, राजनीतिक दलों को चलाने वाले लोग हैं, उनके मन में यह इच्छा जग गई कि हमारे पंथ का, हमारे मत का शासन हो। शासन का अर्थ क्या है? शासन का अर्थ यह है कि राष्ट्र के जो भी संसाधन हैं, नेशन स्टेट के जो भी रिसोर्सेज हैं, वो केवल हमारे लोगों, हमारी पार्टी के लोग जो हमारी चाटुकारिता करें, जो हमारे पक्ष में आए, जो हमारा समर्थन करें, उनको हम राष्ट्रीय संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा देंगे, और जो विरोध करेगा उसको दिखाने के लिए देंगे, क्योंकि इस समय वैश्विक परिस्थिति ऐसी बन गई है, कहीं मानवाधिकार की बात आ गई है, कहीं बहुत सारे कानून बन गए हैं, तो उनका दमन सीधे नहीं करेंगे, क्योंकि दमन महंगा पड़ता है, फिर वो अलग नेशन न बना लें, तो उसकी बजाय उनको हम उपेक्षित करेंगे, उनके विरुद्ध योजनाएं बनाएंगे। सब पार्टियां इसी तरह बन रही हैं। कांग्रेस वालों ने सोचा कि बस हम और हमारा साथ देने वाले कम्युनिस्ट, इन्हीं को बड़े बड़े राजकीय पदों पर रखो, और शासन माने शिक्षा क्या हो ये हम बताएंगे, संस्कृति क्या हो हम बताएंगे, उद्योग व्यापार कैसे चले हम बताएंगे। तो अपने मतवाद, अपने पंथ के नियंत्रण में राष्ट्र के समस्त संसाधनों को लाने की लिप्सा वाले राजनीतिक दल। अब भाजपा आ गई है तो वो भी सोचते होंगे कि बस भाजपाइयों को सब महत्वपूर्ण पद दे दो, और ऐसा वातावरण बनाया है कि सब लोग इसको उचित मानते हैं। भाई भाजपा तो हिंदुत्व की, उसने हिंदुत्व की पार्टी कहा भी नहीं है, और कह भी दे तो कोई अलग से मतवाद वाली पार्टी हिंदुत्व की पार्टी कैसे हो सकती है? ये तो हिंदुत्व को खंडित करना हुआ ना। अगर कोई एक पार्टी कहती है कि हम हिंदुत्व की पार्टी हैं, और साथ ही वो अपना कोई मतवाद बनाती है, कुछ भी, एकात्मानववाद, राष्ट्रवाद, कोई भी मतवाद, तो वो तो हिंदुत्व को खंडित करने वाली पार्टी हुई ना। क्योंकि हर बात जो है, हर विचार जो है, ये कुछ लोगों के दिमाग की सोच होता है, थोड़ा हंसी में कह दो दिमाग की खुजली होती है, तो दिमाग की खुजलियों से बने मतवाद, आइडियोलॉजी से अगर आप समाज को चलाना चाहेंगे, तो जो आपके दिमाग की खुजली से आकर्षित नहीं है, उनके आप विरुद्ध पड़ गए। तो किसी भी एक आइडियोलॉजी को मानने का दावा करने वाली पार्टी कभी भी हिंदू पार्टी हो ही नहीं सकती, चाहे वो नेशनलिस्ट बने, राष्ट्रवादी बने, एकात्मानववादी बने, कुछ और बने, समन्वयवादी बने, कहे कि हम तो सबका ध्यान रखते हैं। ये सब क्या है? लफाजी है। सबका ध्यान रखते हैं, भारत में इसकी परंपरा विद्यमान है। सबका ध्यान रखने का क्या अर्थ होता है? ये कैसे बताएंगे, कहां से जानेंगे? तो ये वहां से जानेंगे जहां सबका ध्यान रखा जाता रहा है ना, जहां व्यवहार में जो चीज हुई है उससे वो लेंगे ना। तो यूरोप से आप सबका ध्यान रखने की कोई विधि सीख ही नहीं सकते। क्यों? वहां तो आज भी कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो सबका ध्यान रखता हो। इंग्लैंड सबसे पहले प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन का ध्यान रखता है, बाकी भी लोगों के प्रति अब थोड़ा उदार हो गया है। बहुत से कैथोलिक राष्ट्र हैं, वो सबसे पहले कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का ध्यान रखते हैं, फिर औरों का भी है, लूथेरियन चर्च है और बहुत से चर्च हैं। तो वहां तो सबका ध्यान रखने का तो कोई अनुभव ही नहीं है। इसके पहले चर्च का राज्य था, तो जिस चर्च का जहाँ शासन रहता था उसके विरोधियों को मार डालता था। कैथोलिक लोगों का जहाँ शासन रहा, वहां प्रोटेस्टेंटों का बाकायदे कत्लेआम कर दिया। इसके स्पेन में मुसलमानों का शासन आया, तो उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम कर दिया, भाग भाग के ईसाई टूट टूट गए। फिर ईसाई किसी तरह संगठित हुए, उन्होंने स्पेन में अपनी सत्ता संभाली, तो मुसलमानों को कत्लेआम, वंशनाश, जाति संघार शुरू कर दिया। सबको संभालने का तो कोई अनुभव ही नहीं है। तो सबको संभालने का अनुभव कहाँ है? तो केवल भारतवर्ष में है, यानी भारत के धर्मशास्त्रों में उसका सिद्धांत है। तो भारत में ही एकमात्र इस बात का अनुभव है कि सबको संभाल कर, सबको साथ लेकर, सबका ध्यान रखकर कैसे राज्य चलता है। तो जो भारतीय धर्मशास्त्र और भारतीय धर्म परंपरा, भारत के लोकमानस में जो व्याप्त मान्यताएं हैं, उनको लेकर जो पार्टी चलेगी वो हिंदू पार्टी कहलाएगी ना। हिंदुत्व का उद्घोष करने से कोई पार्टी हिंदू पार्टी नहीं हो सकती। अभी तो कोई उद्घोष भी नहीं करते, लेकिन असली हिंदू पार्टी कौन होगी जो कहे कि हम सार्वभौम मानव धर्म को मानते हैं, हम मानते हैं कि मनुष्य मात्र के द्वारा सत्य, अहिंसा, अचौर्य, आंतरिक पवित्रता, बाहरी पवित्रता, इंद्रिय संयम, दम, क्षमा आदि सबके द्वारा पालनीय है। जो ये कहे कि जो भी इनका उल्लंघन करेगा उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। जो कहे कि नहीं साहब, सत्य केवल हमारे पास है, हमारे
द्वारा उपास्य किसी देवता जो सातवें आसमान में बैठा है उसी को मानने में सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो कहे कि हम जिसको मानते हैं, जिसके विषय में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्रमाण नहीं है, उस व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि वो गॉड का इकलौता बेटा है, गॉड सातवें आसमान में बैठा है, वहां से उसने करोड़ों वर्षों में बड़ी मेहनत से केवल एक बेटा पैदा किया, उस बेटे में आस्था लाओ, यही सत्य है, बाकी अगर तुम कुछ और विचार मानते हो तो ये झूठ है ना। ये ईसाइयों की घोषणा है। मुसलमान कहते हैं कि जो पैगंबर को इल्हाम हुआ उस किताब में अगर आस्था लाओगे तो ही सच है, बाकी सब झूठ है। ये अलग बात है कि वो उसमें से 90% मुसलमान स्वयं कुरान शरीफ के अनुसार नहीं चलते। कुरान में हम आस्था नहीं लाते तो आप हमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम कह देते हैं कि हम मुसलमान हैं। अच्छा, तो आप मुसलमान हैं तो कुरान के अनुसार चलेंगे? नहीं नहीं हम कुरान के अनुसार क्यों चलेंगे? कुरान में तो लिखा है कि अल्लाह ताला की बनाई जो कायनात है उसकी नकल मत करो, तो हम फिर एक्टिंग नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा भजन नहीं गा सकते जिसमें कि देवी देवताओं का स्मरण हो, कोई ऐसा संगीत नहीं कर सकते, है ना, कान्हा और राम और कृष्ण और दुर्गा माता इन सब का, तो हम फिर और हम एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि भगवान की बनाई जो कायनात है उसकी नकल फिल्म में होती है ना मनुष्यों की, और फोटोग्राफी नहीं कर सकते, चित्र नहीं बना सकते, बच्चों को ऐसा कोई ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ा सकते जिसमें पशु पक्षी बने हों, जिसमें पेड़ पौधे बने हों, तो ऐसी किताब पढ़ा सकते हैं जिसमें कुछ मनुष्य के द्वारा बनाए गए बेल बूटे हों, है ना, या किसी पवित्र ग्रंथ जिसे हम मानते हैं उसका कोई अक्षर लिख दिया, उसका कोई सिंबल दे दिया, बस वो पढ़ा सकते हैं। कोई कुरान शरीफ या और किसी पुस्तक के किसी अक्षर को लिखकर उसकी पूजा कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं या बेल बूटा बना सकते हैं, बस वो किताब पढ़ाएंगे हम। कोई पेड़ पौधा पशु पक्षी मनुष्य का चित्र वाला हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते कुरान के अनुसार, तो कहते नहीं नहीं हम ये नहीं मानेंगे, हम तो भारत का संविधान मानेंगे। जी, तो वो तो पक्के मोमिन भी नहीं हुए, जो कुरान के अनुसार नहीं चले वो मोमिन कैसे? और जो क्रिश्चियनिटी के अनुसार, वो गांधी जी ने वही प्रश्न उठाया था ना अंग्रेजों से कि भाई आप कहते हो कि हम बाइबिल से चलते हैं, तो बाइबिल में तो लिखा है कि जो तुम्हारे दाहिने गाल पे मारे उसको, जो बाएं गाल पे मारे उसके सामने दाहिना गाल कर दो, और उसमें तो लिखा है कि सुई की नोक से ऊंट निकलना संभव है लेकिन जो धनी है उसका स्वर्ग में जाना असंभव है, तो तुम धन संचय कैसे करते हो? तुम तो कहते हो हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हेवन, तो फिर ये मार काट क्यों करते हो? ये अपने विरोधियों को मारते क्यों हो? ये सत्ता क्यों कर रहे हो? ये धन क्यों कर रहे हो? तुम पे कैसे ईसाई हो? गांधी जी ने यही सवाल उठाया था ना कि आप कैसे ईसाई हैं, आप झूठ बोलते हैं, ईसाइयत आपके लिए एक आड़ है, ईसाइयत की आड़ में आप दूसरों को मारते काटते हैं, दूसरों का दमन करते हैं, अपना धन वैभव बढ़ाते हैं, तो बाइबिल में कहां लिखा है कि धन बढ़ाओ? बाइबिल में कहां लिखा है कि दूसरों को मारो काटो? गांधी जी ने ये प्रश्न उठाए थे जिससे अंग्रेज दबते चले गए, इतना तो उनका योगदान है। तो स्वयं ईसाई बाइबिल को नहीं मानेंगे, स्वयं मुसलमान अपने को कहेंगे और कुरान शरीफ को नहीं मानेंगे, ऐसे लोग भारत में शासन करना चाहते हैं तो उनकी तो नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सत्य अहिंसा प्रेम बंधुत्व इनको माने, जो सभी नागरिकों को भारत के अपना भाई माने, तब तो वो भारतीय नागरिक होने लायक है, अन्यथा वो उसको रहने दिया जाए, रोजी रोटी कमाए, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन उसको नागरिक अधिकार तो नहीं मिल सकते। भारत का शासन किनके हाथों में हो ये निर्णय करने का अधिकार ऐसे व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता जो कहें कि हम केवल अपना मतवाद देश में फैलाएंगे, हम केवल अपना विचार देश में फैलाएंगे, हम केवल अपना मजहब और अपना रिलीजन देश में फैलाएंगे, और जो इसको नहीं मानेगा उसको नष्ट कर देंगे, बदल देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता। और ये इस समय जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति है उसमें कोई भी पार्टी ये कह सकती है बड़े गर्व से, उसका दुनिया भर में स्वागत होगा कि हम तो साहब मनुष्य मानव धर्म का पालन सुनिश्चित करेंगे, और जो सत्य अहिंसा प्रेम बंधुत्व आदि में अचौर्य संयम आंतरिक पवित्रता बाहरी पवित्रता इनमें विश्वास रखने वाले व्यक्ति ही भारत के नागरिक होंगे, लेकिन ऐसी तो कोई पार्टी नहीं बनी। तो हिंदू पार्टी वो कहलाएगी जो भारतीय धर्मशास्त्रों
के अनुसार शासन चलाने और लोगों से व्यवहार करने का संकल्प करे। भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं। तो उसकी बजाय क्या किया है उन्होंने, जो संसार में बड़े बड़े राज्यों के स्वामी संप्रदाय हैं, यानी मुसलमान और ईसाई, और यहाँ भी काफी बड़ी संख्या में है मुसलमान, तो यहाँ कई करोड़ हैं, उनको अल्पसंख्यक कह के, और ये अल्पसंख्यक किसी भाव उदारता से नहीं कहा, ये तो पक्षपात के लिए उनको अल्पसंख्यक कह दिया। तो साहब आप ये अल्पसंख्यक हैं इसलिए इनको कुरान शरीफ पढ़ने का और ये घोषणा करने का हक होगा दिन में 5 बार कि केवल हमारे द्वारा पूजित देवता ही सर्वोच्च है और उसके सिवाय सब बाकी सब झूठे हैं। क्रिश्चियंस को भी अल्पसंख्यक कह दिया, उनको ये घोषणा करने का अधिकार दे दिया कि केवल हमारा जो गॉड है जिसने करोड़ों वर्षों में एक ही बेटा पैदा किया, इकलौता बेटा, उसकी शरण में आओ, उसमें फेथ लाओ, और बाकी जो हैं उनके गॉड, उनके द्वारा पूजित देवता झूठे हैं, फॉल्स गॉड हैं, हम उन सबको कन्वर्ट करेंगे, सबको बदलेंगे, यहाँ शुद्ध ईसा का राज्य लाएंगे, ईसाइयत लाएंगे, ये कहा जा रहा है। इनकी नागरिकता तो तत्काल छीनने की मांग करनी चाहिए, तो नहीं कर रहे हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है, जबकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि ये मांग की जा सकती है कि भाई भारत में उसकी भाषा सुंदर रखनी पड़ेगी कि भारत में नागरिकता का अधिकार सार्वभौम मूल्यों में श्रद्धा होनी चाहिए, सार्वभौम यूनिवर्सल वैल्यूज में श्रद्धा रखने वाला ही भारत का नागरिक होने का अधिकारी है। ये किया जा सकता है? नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। हर पार्टी जो है जो इन मूल्यों पर चोट करे, जो कहे कि नहीं सब मनुष्य समान नहीं है, बल्कि जो हमारे अल्लाह में या हमारे गॉड में श्रद्धा रखता है वो मनुष्य श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट है, ऐसे लोगों को नागरिकता प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। तो जब तक ऐसा संरक्षण प्राप्त है, ऐसा भेदभाव प्राप्त है, ऐसा भेदभाव विद्यमान है, तब तक वो हिंदू पार्टी नहीं कहला सकती, हिंदुओं की प्रतिनिधि पार्टी नहीं कही जा सकती, भले अपने को कल को हिंदू कह भी दे। अभी तो कोई पार्टी अपने को हिंदू कह भी नहीं रही, क्यों हिंदू महासभा के। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, दो तीन बातें संक्षेप में, जितना समय है उसमें कहेंगे। पहली बात यह है कि ये जो भ्रम फैल गया कि वोट देना ही, हम वोट देते हैं इसीलिए हम ही शासक हैं, ये तो संसार की इतनी बड़ी, ये तो ये मूर्खता कैसे फैली? वोटिंग राइट इज राइट टू रूल, ये मूर्खता कैसे फैली? तो शासन ने जब शिक्षा और संचार माध्यमों को हाथ में ले लिया तो ये मूर्खता फैला दी, लेकिन भगवान की कृपा से अब दुनिया में प्रौद्योगिक तो उन्नति हुई है, वैज्ञानिक उन्नति हुई है, सोशल मीडिया भी आ गया है, तो अब ये झूठ तो छिपाई नहीं छिपता, तो दिख जाएगा कहाँ भाई। वोट देने का अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार विधायिका में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, बस। उस अधिकार को भी तरह तरह से सीमित किया जाता है, वो अभी एक किसी अलग एक व्याख्यान रखेंगे, उसमें अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे हर भारतीय जानता है कि कैसे बूथ कैप्चरिंग, प्रलोभन, मौके पे आश्वासन देना, दुनिया भर की घोषणाएं कर देना, हम चावल मुफ्त देंगे, हम रोटी मुफ्त देंगे, हम ये मुफ्त देंगे, हम वो मुफ्त, ये सब घोषणाएं कर देना, ये शासन का एक तरीका ही चल गया है। तो किसी कारण से गुरुजी का टेक्निकल एरर आई है और उनका कनेक्शन जो है वो अभी डिसकनेक्ट हुआ है। वो जल्दी फिर से हमसे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अब तक 43 मिनट की चर्चा हुई है और 43 मिनट की चर्चा में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में बहुत कुछ कहना अभी बाकी है, लेकिन फिर भी उनके मन में अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्चुअली एक मनीषियों के मन में हुआ करती हैं, जो भारत को वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। बहुत से लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा, जम्बू टॉक्स के माध्यम से सुन रहे होंगे, लेकिन हाँ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने रेखांकित की है जिसे हमें समझना चाहिए। खैर वो आ गए हैं, उसके बाद में उनसे बात उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। गुरु जी ज्वाइन हो चुके हैं। जी जी गुरु जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये पता नहीं कैसे कोई फोन आया तो ये चला गया था। अब आवाज आ रही है क्या? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी
ठीक है। तो मित्रों, एक तो जैसा मैंने कहा कि राइट टू वोट इज नॉट राइट टू रूल। क्यों? क्योंकि रूल कैसे, शासन कैसे होगा, ये तो अंग्रेजी, जो अंग्रेजी ढांचा जो बन गया था उससे चल रहा है। तो आप कहेंगे अंग्रेजी ढांचे में क्या बुराई है? यही शिक्षा और संचार माध्यमों पर एकाधिकार के कारण भारत के लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया है। बहुत समय कम है तो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इसमें तो ये मान लिया गया है, संपूर्ण जो ये एंग्लो क्रिश्चियन ढांचा है, जो यूरोपीय ढांचा है, उसमें ये माना गया है कि जो थोड़े से लोग हैं उन्हीं में बुद्धि होती है कि शासन कैसे चलाना। पहले चर्च का माना जाता था कि पादरियों के पास अकल है और जो राजा चर्च की आज्ञा माने वही सही है, बाकी सब गलत राजा हैं, है ना, और वो इरिलीजियस हैं, इसलिए वो दंड के योग्य हैं या हटाने के योग्य हैं। आज यहाँ तक कि इंग्लैंड में एक राजा जिसने चर्च के निर्णयों का विरोध किया था, चर्च के समर्थकों का विरोध किया था, उसको तो फांसी भी दे दी थी चर्च के समर्थकों ने। तो उसके बाद फिर ये जो नेशन स्टेट आया, इसमें ये माना गया कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि बहुत ऊंची होती है, वो जैसा कानून बनाए वैसे शासन चलेगा, और बाकी सबका काम है उसकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि उसी से स्टेट मजबूत होता है। तो ये तो बिल्कुल अलग धारणा है ना, जिसमें कि अब वैसे भी आप जानते हैं IAS IPS ये प्रशासकीय वो है, इनमें क्या ट्रेनिंग होती है, इसका भारत के लोगों से क्या लेना देना, वहां क्या पढ़ाया जाता है, प्रशासन के कौन से नियम बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा में भी, राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में, वित्त शास्त्र में, मनोविज्ञान में, दर्शन में, कहीं भी कोई भारतीय ज्ञान तो पढ़ाया ही नहीं जाता। तो भारतीय ज्ञान से वंचित लोग जब नेता बनेंगे और अफसर बनेंगे, पुलिस अधिकारी बनेंगे, सैन्य अधिकारी बनेंगे, विधि अधिकारी बनेंगे, तो वो भारत के प्रतिनिधि कैसे होंगे? तो आपको एक बना बनाया जो ढांचा है उसमें किसी को वोट देना है, तो इसलिए आपको वोट देने का अधिकार में ये कहीं नहीं निहित है कि शासन आपके अनुसार चलेगा। संक्षेप में कर रहे हैं, इसलिए राइट टू वोट इज नॉट राइट टू रूल, वोटिंग राइट इज नॉट राइट टू गवर्न, राइट टू रूल, क्योंकि वो तो शासन अलग ढंग से होता है, वोट देना उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। समय कम है तो सार में बता रहे हैं, इसका किसी दिन और विस्तार से बताएंगे। दूसरा क्या है कि तो फिर क्या करें, तो फिर सीधी सी बात है कि ये जो मौका मिला है, लोकतंत्र है ना हमारे यहाँ, तानाशाही तो नहीं है ना, और सौभाग्यवश जो संविधान बना, भले वो इंडिया एक्ट 1935 की नकल है, लेकिन उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं। सबसे बड़ी बात, वो बहुत उदार और लचीला है, तो उसमें ये कहा गया है ना कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, तो ये बहुत बड़ी पूंजी है। इसका अर्थ है कि भारत के लोग, तो लोग हर साधारण आदमी जिसको कुछ पता ही नहीं है वो तो नहीं करेगा, तो भारत के प्रबुद्ध लोग, यानी व्यवहार में प्रबुद्ध हिंदू लोग, ये मान धीरे धीरे ये वातावरण बना सकते हैं कि भाई हमारा शासन होना चाहिए, हमारा भी शासन होना चाहिए। ये मांग दूसरों ने बनाई है, इस्लाम में जो लोग संगठित हैं इस्लाम के नाम पर, भले वो कुरान को नहीं मानते, मनमानी करते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय राज्य पर ये दबाव बना रखा है, और उनके बहुत सारे NGO हैं, उनके बहुत सारे समर्थक, अपने को हिंदू कहने वाले या हिंदू घरों में उत्पन्न कुल कलंक, समाज कलंक, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके पक्ष में हैं कि इस्लाम के पक्ष में भारत का राज्य काम करे। ईसाइयों के तो और बड़े बड़े संगठन हैं, उनके पक्ष में भारत का राज्य कम करे, इसके लिए उन्होंने संगठित दबाव बनाया है ना। तो कौन दबाव बनाएगा? तो ये बकवास कर देने से, ये मूर्खतापूर्ण बात कह देने से कि क्या करें, जैसे लोग हैं वैसा ही शासन मिलता है, ऐसे तो कहीं नहीं होता। वही लोग थे हिटलर शासन में आ गया, फिर वही लोग हो गए थे हिटलर का विरोधी शासन में आ गया, वही लोग रहते हैं लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती है, वही लोग रहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है, इसका क्या मतलब है? जैसे लोग हैं वैसी ही सरकार मिलती है, इससे बड़ा झूठ। सरकार के अलग नियम हैं, अलग कायदे हैं। तो जो प्रबुद्ध जन होते हैं किसी समाज में, जिसे इलीट कहते हैं, तो हिंदुओं का इलीट क्लास जो है वो किसी कारण अभी तक उसने हिंदुओं के साथ भी राज्य के स्तर पर न्याय हो इसकी मांग ही नहीं की। इस राज्य में हिंदुओं को भी बराबरी का अधिकार मिले इसकी मांग ही नहीं की। मैंने अपनी भारत का संविधान और भारत की धर्म पुस्तक में बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे छोटे छोटे
छोटे छोटे संशोधनों से ये हो सकता है, जैसे कि एक संशोधन संविधान में, इसी संविधान में ये ला दिया जाए कि भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को देता है। ये भाग 4 में, अनुच्छेद 38 में, या किसी अन्य 39, 40, कहीं भी 37, एक उपबंध सब क्लॉज लाकर ये किया जा सकता है कि भारत का राज्य भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को देता है। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो क्यों कृषि दल ने नहीं किया? क्योंकि सबको बस अपने लोग सत्ता में आए, फिर अपने लोगों को हम सत्ता का सबसे बड़ा अंश दें, दूसरों को टुकड़े देते रहे थोड़ा बहुत, ताकि बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं हो, इस नीति पर अभी के सब दल चल रहे हैं। तो हिंदुत्व का नाम लेने वाली भी कोई पार्टी आ गई, लेकिन अगर वो यही धंधे करेगी कि जो हमारे साथ आए, हमारे संगठन में आए, हमारी शाखा में आए, हमारी जय जयकार बोले, भले वो सनातन धर्म का पालन करे या ना करे, भले वो भारतीय ज्ञान की साधना करे या ना करे, भारतीय ज्ञान के किसी भी एक अनुशासन या अंग के विषय में ज्ञान की साधना करे या ना करे, भले वो शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री कुछ भी होने पर भारतीय शास्त्रों का पठन पाठन इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, वित्त प्रबंधन में, समाज शास्त्र में कराए या नहीं कराए, बस हमारी पार्टी में आ जाए, जब तक ऐसे संगठन बनेंगे, ऐसी पार्टी बनेगी, तब तक कहाँ से, उसको हिंदू पार्टी नहीं कह सकते, हिंदू राजनीति नहीं कह सकते। हिंदू राजनीति तो वो है जो मानव धर्म पर बल दे, जो सबको सार्वभौम मूल्यों का पालन सुनिश्चित करे, और जो भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण तथा उसका प्रसारण, शिक्षा देना, भारतीय राजनीति शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय समाज शास्त्र, भारतीय धर्म शास्त्र, भारतीय वित्त शास्त्र की शिक्षा सबसे पहले शिक्षा में देना, आवश्यक को उच्च शिक्षा में, जब तक ये नहीं होता तब तक तो वो भारतीयों की पार्टी ही नहीं है। तो उस दिशा में कौन करेगा? तो लोग ऐसे करेंगे, लोग नहीं करते कुछ, संसार में लोग कुछ नहीं करते। संसार में एक प्रबुद्ध अल्पसंख्यक, प्रबुद्ध थोड़े से लोग होते हैं, वो अपने समाज के प्रतिनिधि होते हैं, समाज इसीलिए उनको मानता है, बहुत मानता है, समाज में सम्मानित प्रबुद्ध जन पहल करते हैं, समाज उसके पीछे चलता है, तो वो एक प्रकार से पूरे समाज की ही बात कहला जाएगी। जैसे जिन लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया, किसी भी तरह से प्रचार से, झूठ बोल के, प्रोपगेंडा से सही, बहुत बड़े समुदाय को अपने साथ में ले लिया, तो वो उनका पूरे देश का कहला गया ना। संविधान बनाया तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया आज तक व्यवस्थित रूप से, तो वो तो कहला गया ना कि भारत के लोगों का संविधान। तो उसी तरह आपको कोई संविधान, तो ये संविधान में पूरी गुंजाइश है कि आप सार्वभौम मूल्यों पर आधारित भारत की नागरिकता सुनिश्चित करें, और भारत के ज्ञान विज्ञान को दर्शन में, राजनीति में, समाज शास्त्र में, धर्म शास्त्र में, वित्त शास्त्र में, योग शास्त्र में, मनोविज्ञान में, भारत के ज्ञान परंपरा का शिक्षण सुनिश्चित करें, ये इस संविधान में बिल्कुल बाधा नहीं। इसलिए इस पे मत चले जाइए कि संविधान बाधक है, करने वाले चाहिए, ऐसा करने वाला कोई नहीं है। तो आपको फिर रणनीति से चलना होगा, पहले ये देखना होगा कि वो कौन सा समूह है जो इसके लिए सबसे अधिक अनुकूल है। तो वर्तमान में अभी तक जितने दल हैं उसमें से केवल भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सबसे अधिक अनुकूल है। तो राजनीति दीर्घकालिक खेल होता है, पहले आपको भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ करना होगा। भाजपा बनी रहे तो हम वो मांग भी उठा सकते हैं, धीरे धीरे वो वातावरण कर सकते हैं। 2014 से ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में हुआ है, जिससे ये स्पेस बना है, ये स्थान बना है, ये अवकाश बना है। तो राजनीति तो बड़े धीरज का और लंबी पारी का खेल होता है, पहले तो ये सुनिश्चित करें कि भाजपा ही शासन में रहे, फिर ये कोशिश करें कि अगर संभव हो तो यहाँ के संपन्न प्रबुद्ध जनों में से कोई एक ऐसा भी जो इस तरह की मांग कर सके कि सार्वभौम मूल्यों में श्रद्धा भारत की नागरिकता की अनिवार्य शर्त है। अगर ज्यादा वातावरण बना तो भाजपा ही ये कर लेगी, नहीं तो कोई अन्य दल बने। जैसा मैंने बताया कि सभी नेशन स्टेट में वही पार्टियां हैं जो वहां के बहुसंख्यकों के रिलीजन को मानती हैं, तो भारत में हिंदू धर्म पर संपूर्ण श्रद्धा रखने वाली एक से अधिक पार्टी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, ये कामना करनी चाहिए, जिसमें सामर्थ्य हो उसे प्रयास करना चाहिए, लेकिन होनी चाहिए कहकर आप भाजपा का विरोध करें तो हिंदू धर्म का ही विरोध हो जाएगा अभी, क्योंकि बाकी सब दल तो जैसे हिंदुत्व के विरुद्ध बयानबाजी करने के लिए हैं दिन रात। इसका ये अर्थ नहीं है कि भाजपा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन भाजपा हिंदू द्रोही नहीं है और हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट है, हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट है।
वो कहती है कि हम भाई औरों का भी ध्यान रखेंगे लेकिन हिंदुत्व का भी ऐसे निरादर नहीं करेंगे। यद्यपि भाव से राजनीति नहीं चलती, ज्ञान से चलती है, तो हिंदू ज्ञान की कोई साधना भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक दलों में ज्ञान का कोई महत्व भी नहीं है, उसको छिपाने के लिए विचारधारा विचारधारा की बात करते हैं। राजनीति तो विचारधारा से चलती नहीं है, राजनेता तो कुशल लोग होते हैं, दौड़ धूप करके, संगठन करके, जोड़ तोड़ करके, तरह तरह से वातावरण बना के, हवा बना के वोट ले लेते हैं। तो लेकिन फिर कोई संगठन ऐसा होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का पोषक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी भारतीय ज्ञान परंपरा की तो कोई साधना नहीं होती, कोई अद्वैत दर्शन या किसी भी भारतीय बड़े दर्शन का कोई आचार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हो ऐसा नहीं है। भारतीय राजनीति शास्त्रों का विद्वान, शीर्ष विद्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हो ऐसा भी नहीं है। भारतीय धर्म शास्त्रों और समाज शास्त्रों का शीर्ष विद्वान भी नहीं है, और ऐसे विद्वानों को वो आदर देते हो, पर्याप्त शासन में आने पर उनको महत्व देते हो ऐसा भी नहीं है। तो अभी ये स्थिति नहीं है, लेकिन तब भी उनको हिंदुत्व से या भारतीयता की बात करने से चिढ़ नहीं, वो उसमें दोष नहीं निकालते, हालांकि अब दोष निकालने लगे हैं। उस पर भी एक बार और बात करेंगे कि जो लोग भारत में दिन रात दोष निकालते हैं, अभी मुझे लगता है दूसरे शीर्षक से सही एक अन्य व्याख्यान में इसको स्पष्ट करेंगे। मैंने प्रारंभ में बता दिया था कि भारत में सामाजिक दृष्टि से समाज की 11 इकाइयां रही हैं, कुल समूह है, गोत्र है, वर्ण है, आश्रम है, संप्रदाय है, श्रेणियां हैं, संघ है, निगम है, शिष्ट परिषद है, विद्वत परिषद है और राज्य है। सबको तो नष्ट कर दिया है एंग्लो क्रिश्चियन ढांचे ने, भारत की कोई पार्टी इन 11 इकाइयों को नहीं मानती। तो इन 11 इकाइयों की मान्यता के बिना तो कोई हिंदू पार्टी, कोई भारतीय पार्टी हो ही नहीं सकती। उनके पास शक्ति वापस जानी चाहिए, न्याय की परंपरागत इकाइयां होनी चाहिए जिससे मॉडर्न कोर्ट जो बनी है उन पर इतना दबाव नहीं बढ़े, है ना। जो परंपरागत, जो पंच परमेश्वर की परंपरा है, जो खाप पंचायत की परंपरा है, उसकी उसको पुनर्जीवित करने की मांग करनी पड़ेगी। वो बहुत सी बातें हैं। तो मुख्य बात यह है, ऐसे तो नहीं होगा कि आप अपनी कल्पना से आपने कुछ भी सोच लिया, आपने अचानक कह दिया कि जाति जो है वो भारत के लिए विनाशकारी है। तो भाई आप कौन है? आप जैसे ही मनुष्य इसके पहले हुए हैं, लाखों साल से, हजारों साल से, वो आपसे कम बुद्धिमान थे, वो आपसे कम सत्यनिष्ठ थे, वो आपसे कम मानवता का भला चाहते थे। आप कैसे जान गए कि ये जाति जो है वो हानिकर है? क्या प्रमाण है? आपके दिमाग की खुजली है तो आप, आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज है? चलिए पहले फिर आपके मस्तिष्क का कोई वैज्ञानिक परीक्षण की विधि निकालिए, है ना। कैसे आपने जान लिया कि आपके दिमाग में जो खुजली होती है कि जाति नहीं होनी चाहिए, वो देश के लिए काम में है? कैसे आपने मान लिया कि सर्व खाप पंचायत, खाप पंचायत आदि के पास न्यायिक अधिकार नहीं होना चाहिए? आप कौन होते हैं? आप में ऐसा भगवान ने कौन सी विशेषता दे दी? तो ये सब राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र की सभी संस्थाओं को नष्ट करने वाली बातें करने वाले मतवाद ही पार्टियों के रूप में भारत में सामने, जाति की निंदा, गांव की निंदा, खाप पंचायत की निंदा, संप्रदाय की निंदा, श्रेणियों की निंदा, व्यापारियों की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, राजन्य वर्ग की निंदा, सबकी निंदा, शिल्प, भारतीय शिल्प परंपरा का तिरस्कार, उपेक्षा, ये क्या हो रहा है? तो इसका किसको अधिकार है? इस बात को कौन उठाएगा? इस बात को बेचारा गांव का साधारण आदमी थोड़ी उठाएगा। गांव में ही पैदा हो लेकिन प्रतिभाशाली हो, जो ये सब समझता हो, वो उठाएगा ना। उसी को इलीट क्लास कहते हैं, प्रबुद्ध जन कहते हैं। भारत का असली इलीट कौन है? तो भारत का असली इलीट है यहाँ के धर्माचार्य, या तो धर्माचार्य उठाएं कृपा करके। लेकिन अगर धर्माचार्य केवल आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की साधना का ज्ञान देने में लगे हैं, तो उसके बाद उनके शिष्य ऐसे हों जो अपरा विद्या के जानकार हों, राजनीति के जानकार हों, समाज शास्त्र के जानकार हों, धर्मशास्त्र के जानकार हों। आखिर अभी 18वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ धर्मशास्त्र पर टीका लिखी जाती थी ना। निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, प्रायश्चित तत्व विवेक है, दान संबंधी ग्रंथ है, कितने ग्रंथ लगातार लिखे जाते थे 18वीं शताब्दी तक, एक से एक धर्मशास्त्र पर। धर्मशास्त्र ही भारत का समाज शास्त्र है, उस पर टीकाएं चलती थी। क्या हुआ? वो सब अब पुस्तकालय का विषय बन गए। अभी कल तक उनसे भारत का जीवन चलता था, हिंदुओं का जीवन चलता था। हिंदुओं का जीवन क्यों नहीं उस पर फिर से चलना चाहिए? किसी किसी भी पार्टी के नाम पर कोई विदेश के, कोई किसी विचार की नकल करने वाले और विदेशी विचारों की खुजली जिनके दिमाग में होती है, ऐसे लोगों का समूह
किस आधार पर ये कह सकता है कि भारत के सभी धर्म शास्त्र अब अप्रासंगिक हो गए हैं, अब आप मनुस्मृति को नहीं मानेंगे, आप निर्णय सिंधु को नहीं मानेंगे, आप धर्म सिंधु को नहीं मानेंगे, आप कौन होते हैं, आपको किसने ये अधिकार दिया है? तो ये सब बातें कहने वाला कोई एक प्रबुद्ध मानव समूह होना चाहिए, वही ये बात उठा सकेगा। जब आप ये सब बात उठाएंगे तभी भारत में पुनः हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा होगी, हिंदू समाज की प्रतिष्ठा होगी। जब तक ऐसा नहीं होता तो जो सबसे अनुकूल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सत्ता में बनी रहे, यह सुनिश्चित करना राजनीति के क्षेत्र में हम सबका कर्तव्य है। लेकिन इस सजगता के साथ कि ये बार बार बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी थी, कोई हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये हिंदू धर्म के अनुसार चलने का कोई वचन नहीं देती, इसकी हिंदू धर्म शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं है, इसके नेता भी आए दिन हिंदू धर्म में परिवर्तन की मांग करते रहते हैं, हिंदू समाज की जो लाखों साल से चली आई इकाइयां हैं, कुल समूह है, संप्रदाय है, गोत्र है, वर्ण है, आश्रम है, श्रेणियां हैं, संघ हैं, निगम हैं, शिष्ट परिषद है, विद्वत परिषद है, इन सब का ये निरादर करते हैं। इसलिए ये वस्तुतः है हिंदू समाज का प्रतिनिधि करने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन हिंदू समाज के प्रति अन्य पार्टियों की तुलना में सॉफ्ट, कोमल, अनुकूल, विनम्र पार्टी है। इसलिए जब तक हम स्वयं हिंदू धर्म के प्रतिनिधि सत्ता में नहीं आए, ऐसा कोई संगठन नहीं खड़ा होगा, ऐसा कोई वातावरण नहीं बने, तब तक भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के क्षेत्र में जमाए रखना, ताकि एकदम, क्योंकि कैसे शक्तिपूर्वक नष्ट किया गया है इस पर हम अगले एक व्याख्यान में बताएंगे, किस प्रकार अंग्रेजों ने जो पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को टूल बनाया था, उनके द्वारा सामान्य व्यक्ति को अभी भी कितना आतंकित और भयभीत रखा जाता है। अगर आप नई बात कहें, अगर आप चुपचाप विनम्र होके रहते हैं तो ठीक है, कुल मिला के वातावरण बहुत अच्छा है, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही धूप, और रूख मर जाएंगे धूप खूब की खूब, ये नानक ने उस समय परिस्थिति देख के कहा था कि भैया विनम्रता से रहो बस। तो वो हिंदू, अधिकांश हिंदू उसका ही पालन कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे ऐश्वर्य के साथ, गौरव के साथ हिंदू धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो, इसका सबसे अनुकूल समय है, लेकिन इस अनुकूलता, ये अनुकूलता और ज्यादा बढ़ती रहे के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन में रहना सुनिश्चित करना राजनीतिक कर्तव्य है, और धर्म की चेतना को, धर्म के अध्ययन को, धर्म की ज्ञान साधना को, धर्म संबंधी तपस्या को आगे बढ़ाना आध्यात्मिक और धार्मिक कर्तव्य है हम सबका। इतना ही, शेष बातें फिर कभी। नमस्कार। गुरु जी, आपने जो बातें कही हैं राजनीति के संदर्भ में, हम लोग पहले भी पॉलिटिक्स पर कुछ एपिसोड्स कर चुके हैं, और जो कि ये चुनावी वर्ष है 2023 में राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, इस तरीके के कई सारे स्टेट्स में जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव तो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि उसके लिए उसका परिप्रेक्ष्य हमें कई तरीके से दिखने लगा है। मुझे एक ट्वीट दिखा था सबा नकवी का, जिसमें वो कहती है कि मेरी गली में होली की हुड़दंगी है, दिस इज नॉट सेफ फॉर विमेन। लेकिन वहीं पर मुझे एक और ट्वीट उसके साथ में दिखा, जिसमें मुहर्रम खेलते हुए कुछ लोग नजर आए कि मेरी गली में ये भी लोग थे, एंड दिस इज वेरी सेफ फॉर विमेन। तो बात जो है, चर्चाएं चल चुकी हैं 2023 के लिए, 2024 के लिए, और उन्हें बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि उनका शत्रु कौन है। संघ समस्या है, मोदी समस्या है, तो समाधान क्या है? समाधान जब पूछा जाता है, जब गालियां दी जाती हैं कुछ लोगों को, तो समाधान के रूप में वो लोग बोलते हैं कि भैया हम तो अब की बार नोटा दबाएंगे। क्या नोटा समाधान होने वाला है, या फिर हम अब की बार मौलाना मोदी या रसूल सेवा संघ, संघ को जो कह दिया जाता है इन्हें वोट नहीं देंगे, आप उन्हें नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? समाधान आपके पास है नहीं, लेकिन आलोचना, जो समालोचना भी नहीं है, वो आपका अधिकार है। अधिकार के साथ जो कर्तव्य आता है उसकी हम बात नहीं करना चाहते, ये अलग बात है कि अधिकार और कर्तव्य एक अलग विषय है, अधिकार के साथ में किस तरीके की कर्तव्य है उस पर हम अलग बात कर सकते हैं, लेकिन जो बात कही गई है उन बातों का मनन करना बहुत आवश्यक है। ये बात सही है कि भाजपा कोई पर्टिकुलरली हिंदुत्व का दम भरने वाली पार्टी नहीं है, ऊपर ऊपर दम भरती हो बात अलग है, लेकिन आज भी हमारे लिए जो कहीं थोड़ी हितकारक पार्टी हो सकती है राजनीतिक रूप से, वो केवल एक ही है। ये चैनल उनके लिए काम नहीं करता,
लेकिन हाँ सनातन के लिए जो काम करेगा या सनातन के लिए जो थोड़ा बहुत समर्थित लगेगा उसको हमें दम देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी से निवेदन है। जी गुरु जी, एक एक बात और जी जी, गुरु जी, नहीं यहाँ एक बात और कहना है नीतीश जी जी, जी ये ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ये जो भ्रम हो रहा है ना कि हम ये कह हाँ सकें कि हमारी गली में होली के हुड़दंगे हैं, इससे स्त्रियों को खतरा है, ऐसा कोई हाँ अधिकार किसी को नहीं है। ऐसा एग्जैक्टली कहने वाले को दंडित करना चाहिए, तत्काल गिरफ्तार करके, क्योंकि वो बहुसंख्यकों की धार्मिक भावना को, बहुसंख्यकों की संवेदना को आहत कर बिल्कुल। रहा है। और ऐसी सब दुष्ट स्त्रियां और दुष्ट पुरुष लगातार हम सबकी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, जरा भी अधिकार नहीं है। उनको गिरफ्तार करना चाहिए और दंडित करना चाहिए, ऐसा कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। सभा आदमी हो चाहे कौनो आदमी हो, ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं, इनको दंडित करना चाहिए, ये अपराधी। एग्जैक्टली ये सवा नकवी हो या कोई और आजमी हो, ऐसा कोई अधिकार उनके पास में किसी भी तौर पे नहीं है। वी नीड वन मोर टाइम गोपाल पाठा, जिन्हें हम गोपाल मुखर्जी के नाम से, मूल नाम उनका गोपाल मुखर्जी था। 2005 में उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन 2005 तक कितने लोग उनके बारे में जानते थे। आज कुछ समय पहले उनके बारे में लोग चर्चा शुरू हुई, विकिपीडिया ने उनके पेजेस जो हैं वो हटा दिए। उनके बारे में डिटेल आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, ऑफ इंडिया वगैरह की कुछ साइट्स पर आपको डिटेल मिलेंगी, कुछ हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर हमने उनके बारे में डाला है, वहां पर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और हम लोग उसके उनके बारे में अलग से पूरा एपिसोड करेंगे। लेकिन जिस दिन भारत का सनातनी थोड़ा और जाग जाता है, उसके अंदर का गोपाल पाठा भी मरा नहीं है, उसके अंदर का डीएनए खत्म हुआ नहीं है। इसीलिए 100 करोड़ लोगों को, लोग दुनिया भर पर बहुत भारी है, बाकी सब चाहे वो क्रिश्चियनिटी यानी कि चर्चरिटी को मानने वाले हो, इस्लाम को मानने वाले हो, कम्युनिज्म को मानने वाले हो, या किसी भी इज्म को मानने वाले हो, दे नो वेरी वेल कि हिंदुत्व, हिंदू सनातन कितना भारी पड़ सकता है। आप सभी से निवेदन है, जम्मू टॉक्स को अपना प्रेम दीजिए, अपना सौहार्द दीजिए, हमारे चैनल को सशक्त बनाने में मासिक रूप से आपका अंशदान सदस्यता के माध्यम से या डायरेक्ट आप अवश्य करें, ऐसा आप सभी से निवेदन। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम गुरु जी।